व्यक्ति में दिखाई दे तो तत्काल अपने नजदीकी चिकित्सालय या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल से संपर्क करें। कोरोना वायरस एक संक्रामक वायरस है। ये मनुष्य से मनुष्य में फैलता है एवं ये श्वास संबंधी बीमारी है और ये मनुष्य के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी असर डालता है। इसीलिए स्वस्थ खान पान का ध्यान रखें। डरे नहीं, बस सावधान रहें। नगर निगम वाराणसी द्वारा जनहित में जारी। नाम सीएसएस सिंह पत्ता चलाते हैं उस तरीका से अलगे से रहे और विकलांग विकलांग। तो अभी दो तीन दिन से आपको मिल रहा है सवारी? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मिल रहा नहीं, कुछ नहीं। और ऐसे कितना कमा लेते रोज? ऐसे जो भगवान नसीब में 200-250-300 जो हुआ से हुआ समझिए रिक्शा का कमाई। तो अभी 20-21 दिन बोले हैं आज से बंद, तो क्या असर होगा आपकी जिंदगी में? नाम जाने जिस तरीका से जिए संसार उस तरीका से जीना ही पड़ेगा। लेकिन आपके आपके पास कोई सरकार से कोई आया कोई कुछ कि कितना कमाते हैं कुछ? नहीं, सब नहीं पूछा। नहीं कोई पूछा अभी तक? नहीं नहीं बाबा। इस समय से यहाँ पर खाना बांटने वाले आते थे मगर हाँ मगर अभी वो भी जो है ना आते। कौन आता था खाना बांट? कोई आदमी रहला नहीं। तो अभी आपका घर किधर है? घर यहाँ तो नहीं है, बिहार पड़ता है। अच्छा, और मकान कहाँ? यहाँ रहते कहाँ? यहाँ तो वैसे हम परवधी में रहते हैं। परवधी परिवार भी इधर ही है? नहीं, सब घर पर। अकेले हैं आप? अकेले। तब बीमार पड़ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कौन देख रहेगा रखेगा? देखिए खासकर कहा गया है 60 साल से ऊपर वालों को थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए। हाँ तो आपका तो ज़्यादा बचत भी नहीं होगा कि आप 20-30 दिन आराम से? ये आसरा तो खैर समाजे का है। आप लोगों का अपना रिक्शा यूनियन ये सब कुछ नहीं है? नहीं कुछ नहीं। पर अधिकतर तो बूढ़े लोग ही चलाते हैं ना रिक्शा? हाँ हाँ हाँ, बूढ़े लोग चलाते हैं। वो अगला है ना बनारस में बड़ी रिक्शा है। अब हम लोग रिक्शा चला के हम लोग कितना रिक्शा का पता लगेगा? नगर निगम बने बताएगा कि कितना रिक्शा बनारस में 50 रिक्शा जो कि हर एक रोड पर है। जो चलाने वाले हैं अधिकतर वो कहाँ से हैं? बिहार से हैं? यही से? हाँ, अधिकतर बिहार से। अब बूढ़े व्यक्ति ज़्यादा हैं ना? हाँ। तो आपको तो घर से और निकलने के लिए मना कर दिया है? हाँ। तब क्या सरकार से कुछ मांग है आपकी कि कुछ करना चाहिए? कुछ नहीं। कैसे चलेगा फिर? सरकार से कुछ नहीं चाहिए आपको? उतना हम लोग जो है से सामने में जवाब देंगे तब। हम लोग पढ़े लिखे अनपढ़ आदमी, आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग जितना कहेंगे अपना हम सुनते रहेंगे। नहीं हम कुछ नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि 20-30 दिन आप अगर नहीं कमाएंगे तो आपका खर्चा कैसे चलेगा? ट्रेन गाड़ी घोड़ा भी बंद है। कब है? गाड़ी घोड़ा भी बंद है। ये तो कई तो मंदिर मस्जिद भी बंद है। देखिए बाबू बाबू मंदिर मस्जिद सब तो बंद है। भगवान ऐसा भी कर रहे कि ये भी इसका भी ताला बंद कर दे। सब बंद है, ये भी बंद होने वाला है। जब ये ताला बंद होगा तब भगवान घर के ऊपर चले जाएंगे ईश्वर के पास, वहाँ पुकारेंगे, वहाँ से सुनेंगे। योग करिए, योग करने से भी ठीक होगा। देखिए योग तो कर ही रहे हैं बाबू, ये तो कर रहे हैं। देखिए 24-12 कलाम देखिए भी जा रहे हैं। वो जा रहे हैं कौन? वह ऊपर देखिए क्या दिखा रहा है। अरे सूरज भगवान जा रहे हैं ना माँ के गोद में। रात हो रहा है, सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। दिन भर रहे अब ये जा रहे हैं। वो तो रोज का आना जाना है उनका। बेटा ये रोज रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। गरीब लोग को यही कहानी है, जब तक कुआं खोदेंगे नहीं तब तक पानी। मानिए ना जैसे होली के जो छुट्टी हुआ है तो अभी तक के जो है
जब तक खोलेंगे नहीं तब तक पानी पिएंगे नहीं। अभी सड़क में केवल जानवर नजर आ रहे हैं और जो उन लोग का कोई कुछ है नहीं वही नजर आ रहा। हाँ बाबू, हाँ हम लोग की यही एक रोटी एक धोती से मतलब, अनपढ़ आदमी हम लोग, कमाएंगे तभी खाएंगे, बगैर कमाने से खाएंगे। तो अभी तो कोई सवारी भी नहीं मिल रहा है तो क्यों बाहर हैं आप, घर में क्यों नहीं बैठ रहे हैं? जब जब कमाएंगे तभी खाएंगे, बैठ के खाएंगे नहीं। अभी ये देखे धंधा निकला है, एक एक चक्कर चलेंगे तो पेट भरे के काम आएगा, फिर भरना चाहिए कोई तरीके, पेट नहीं तो बेटा दुनिया से पेट भी नहीं होता, ये पेट के लिए थोड़ी संसार मर रहा है। जो मिल जाए। आपका परिवार है यहाँ पे, अकेले हैं आप? अकेले हैं। आप कहाँ से हैं? करौली का। वहीं रहते हैं? हाँ। वहाँ पे रिक्शा वाले ज्यादा है क्या वहाँ पे? हम देखे सफाई कर्मचारी भी बहुत लोग रहते हैं। हाँ। तो ऐसे गांव किधर है आप? ये बगल नहीं, ऐसे उससे पहले कहीं गांव कहीं से? आप बिहार से हैं क्या? नहीं, आप यहीं से हैं? यहीं के हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम। राम जी, रामनवमी आ रहा ये। वो तो राम को भक्त रामनवमी से उनसे बढ़ के मालिक हैं, उन्हीं मालिक हैं, उन्हीं देंगे, उन्हीं पैदा किए, उन्हीं देंगे सब कुछ, उन्हीं करेंगे। आप लोग अकेले अकेले कैसे रह लेते? रोज कमाइए, रोज खाइए, खुद बना के खा के सो जाते, बाकी मियाँ ये बीवी बच्चे सब कोई नहीं? नहीं, यहाँ नहीं, हम लोग कभी तो बिहार के हैं तो बिहार में सब है। तो जाते नहीं है घर कभी? अब देखिए तो ट्रेनें तो बंद है, यदि भागना भी चाहे आदमी तो किस तरीका से भागना है? वहाँ पे भी तो यही स्थिति है, हर जगह स्थिति है। आप क्या करते भाई साहब? हम सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी, कहाँ रहते हैं आप? यही रहते हैं। कहाँ सफाई करते हैं आप? हम प्राइवेट काम करते हैं। प्राइवेट, तो कोई बुलाता है सफाई के लिए तब? तो आपका भी अभी बंद है रोजी रोटी? हॉस्टल में कोई है ही नहीं तो काम कहाँ से? तो अच्छा, बच्चे लोग बुलाते थे आपको, हॉस्टल वाले? यूनिवर्सिटी बुलाता था? हॉस्टल का लड़का भी बुला लेते हैं, मालिक जो हॉस्टल के मालिक थे उनको बुला लेते थे। तो आप बहुत समय से सफाई कर रहे होंगे हॉस्टल ये सब में, कभी नौकरी में नहीं रखा आप लोग? कब से हैं यहाँ पे? मेरा हो गया 3-4 साल। 3-4 साल। कहाँ से आए आप? बिहार से। कहाँ? बिहार से? सासाराम। सासाराम से हैं। तो कितना कमाई हो जाता था जब लोग थे तो? हो जाता था कभी 200, कभी 300, जो कभी 400 हो जाता है, एक कमाई के ऊपर है। और वो कमाई में 4 को बाल बच्चा भी है। हाँ, जब से हल्ला हुआ है तब से तो टेम्पोरेरी चल रहा है। तो उससे पहले और कोई काम क्यों नहीं करते, सफाई का क्यों करते हैं? कोई मिल भी नहीं किया तो इतना घूस मांग रहे थे हम लोग के गरीब आदमी पास, घूस कहाँ से लिया कि घूस देंगे? पेट चलाएंगे घूस बताइए, 4 को बाल बच्चा है, हम हैं, बीवी हैं, तो पेट चलाएंगे कि घूस दे जाएंगे? क्या नाम है आपका? जो नहीं नाम बताए वही नाम। राम जी आप भी हैं? चारों तरफ राम ही राम दीख मिल रहे हैं। तो आपका आपका घर किधर है? हमारा घर यहाँ, घर में ही रहता है। आप थोड़ा दूरी रहिए अभी, ठीक है? ज़्यादा भीड़ होगा ना तो पुलिस वाले परेशान करेंगे। हमारा यहाँ घर नहीं है। कहाँ? हम लोग यहाँ रहते हैं, चौकी लगे। तो चौकी के बगल में सो जाते हैं, खाना वाना पका कर उधर खा कर। तो अभी आपके पास राशन पानी है? कुछ नहीं। कैसे कटेगा अभी आगे का? अभी 85 रुपया था, तो माड़ भात बना चटनी पीसे हैं, वही सब लड़का खाए। हमको रोज खरीदना है, रोज खाना है। अच्छा, अभी आप लेके जाएंगे किसी को तो पुलिस वाला मारेगा क्या? हाँ हाँ, दे नहीं जाने दे रहा है। तब फिर बाहर क्यों है जब इधर भी, इधर से भी मार, उधर से भी मार? गरीब आदमी की मरण इधर मारा जाए, तो पैसा कमाने वाला उसका पेट पे लात मरा रहा है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जैसे दिक्कत तो है कि लोग आपस में ना मिले ना। फिर भी मतलब जैसे जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करें? उनको सरकार का कुछ मदद मिलना चाहिए ना, राशन पानी। अब आप ही लोग का देन है,
हम लोग क्या मिलेगा? अरे मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो पानी पियेंगे, बाल बच्चा को पिलाएंगे। आप क्या करते हैं भाई साहब? हम लोग रिक्शा चलाते हैं। आप भी रिक्शा चलाते हैं? कहाँ? अभी करौंजी में रहते? कहाँ रहते हैं? हमारा ही लड़का। आपका लड़का? तो और कोई उपाय तो अभी नहीं नजर आ रहा है, सड़क पे ही इंतजार। और दवा की दुकान पर ज्यादा इकट्ठा भीड़ न करें, लाइन लगा के एक मीटर की दूरी पर खड़े होकर के दवा लीजिए। डॉक्टर बैठा है।